तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासत के स्कूलों में योगा को लाजमी करार देने पर जोर दिया है। संगारेड्डी में योगा कैंप का इफ्तिताह करने के बाद हरीश राव ने कहा कि योगा से इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता है और वो हर बीमारी से भी दूर रहता है। उन्होंने कहा है कि स्कूली बच्चों को योगा जरूरी है, योगा से बच्चों की सेहत अच्छी रहती है और उनके जहानत में इजाफा होता है, इसलिए वो सरकारी और खानगी स्कूलों में योगा शुरू करने पर दे रहे हैं जोर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तालिबा वी नंदिनी सोनी को एडोबे सिस्टम्स ने कैंपस प्लेसमेंट में मुंतखब किया है, जिसमें नंदिनी को सालाना 43 लाख रुपए के पैकेज का पेशकश किया है। एडोब सिस्टम के तकरारात के 4 राउंड में नंदिनी सोनी का इंतखाब किया गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा आया पेश। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियां गिरने से 9 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स की हो गई मौत। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेलवे इंतजामिया फौरन राहत के काम में मसरूफ हो गए, साथ ही इस हादसे की तहकीकात का दे दिया गया हुक्म। सदर बहुजन समाज पार्टी व साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मायावती के घर का बर्फी कनेक्शन काट दिया गया। बर्फी का बिल अदा न करने पर ग्रेटर नोएडा में वाक़ साबिक वजीर आला के घर का बर्फी बिल 67,000 रुपये अदाशुदनी है। अहदेदारों ने कहा है कि बर्फी सरबराही मुनक़ते करने के कोई सियासी अगराज व मकासद नहीं है। हुकाम के मुताबिक जो भी बर्फी बिल की अदायगी नहीं करते उनके घर का बर्फी कनेक्शन काट दिया जाता है। वादुदा मायावती के अरकान खानदान ने 50,000 रुपये अदा किए और फिर बर्फी सरबराही बहाल की गई।